अभी तो परफेक्टली फाइन है, मतलब सरप्राइजिंगली आपका जो क्रिएटिनिन लेवल था जो 8-9 चल रहा था वो तो अभी मतलब 3.26 है लेटेस्ट में। 3.26 क्या नाम है पेशेंट का? मिस्टर सीएल तिवारी। कहाँ से आप? लखनऊ। लखनऊ में कहाँ से? अलीगंज। अलीगंज में कहाँ से? सेक्टर के। ठीक है, तो जब आए थे तब डायलिसिस करा रहे थे इनका? बिल्कुल डॉक्टर साहब। कितनी बारी करा रहे थे? महीने भर तो चली होगी, दिसंबर जब एडमिट थे तभी से चल रही थी। अच्छा, और उसके बाद जब से यहाँ से दवा ले गया तो मेरे ख्याल 15 दिन के बाद ही सरप्राइजिंगली जो है वो धीरे धीरे 6.1 आया, 4.9 रहा, 3.97, अब 3.26। इवन आज भी रिपोर्ट गई हुई है, जो शाम तक रिपोर्ट आएगी, लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। ठीक है, और बाकी पहले इंसुलिन वगैरह ले रहे थे? तो बंद है डॉक्टर साहब। पहले कितने यूनिट ले रहे थे इंसुलिन? डॉक्टर साहब 25 यूनिट चल रही थी लेंटेस की। ठीक है, और उसके बाद जो प्लेन इंसुलिन होती वो सुबह शाम थी। ठीक है, क्योंकि बंद है। और पहले बेड रिडन थे या पहले मूवमेंट में रहते थे, और अभी फिजिकली कैसा है? बेड पे थे, अभी तो मूवमेंट है, मूव कर रहे हैं। हाँ, मतलब घर के बाहर तक थोड़ा सा जाते हैं, टहल वहल करके आते हैं। ठीक है, और जब हाँ तो यही है डॉक्टर साहब, मतलब फ़ायदा तो है, और यही आपसे जानना है कि और कितना परफेक्ट किया जा सकता है। तो अब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ी आपको? अभी तक तो नहीं डॉक्टर साहब। जब डायलिसिस करा रहे थे उस टाइम पे क्रिएटिनिन लेवल्स कितना था? डॉक्टर साहब यही चल रहा था 7-8, मतलब डायलिसिस कराने के बाद तो जब टेस्ट कराया तो थोड़ा सा कम हुआ, 7-8 हुआ डायलिसिस के। हाँ, आसपास 7 और 8 के आसपास था। एग्जैक्ट। और विदाउट डायलिसिस आपका क्रिएटिनिन कितना आया? 3.26 चल रहा है इस समय। और ये टेस्ट आपने कहाँ से कराए? ये लखनऊ के ही है सर, और इसके साथ हमारे यहाँ मेहरोत्रा पैथोलॉजी है जो सबसे अच्छी मानी जाती है, तो पैरेलली वहाँ से भी टेस्ट कराया है। अच्छा, जैसे कि उसमें जब सुधा वाले में कराया था तो 5 समथिंग था, फिर ये टेस्ट करने के लिए कि है उसी डेट पे दोबारा मेहरोत्रा से कराया तो 4.9 था। 4.9, हाँ, मतलब यही था डॉक्टर साहब, होता ना कि हाँ भाई सरप्राइजिंगली कम हो रही है, लेट्स सी, मतलब गलत तो नहीं है। दूसरे से कराया अगेन वो सही थी, मतलब 1 पॉइंट और कम ही निकला उसका। और डायलिसिस वगैरह की इन बिटवीन कोई जरूरत दिक्कत नहीं अभी तक पड़ती है? बहुत अच्छी बात है। और इंसुलिन अभी बंद कर रखे हैं? हाँ, इंसुलिन शुगर कंट्रोल आ रही है एकदम डॉक्टर साहब, 119, 15, 13 इस तरह से फास्टिंग रहती है। ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा इंसुलिन बंद करने के लिए? हाँ, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई आपने? एग्जैक्टली, हर सप्ताह मतलब ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है साथ में डॉक्टर साहब, मतलब एक तरह से फैमिलियर ही हो गए हैं कि हर सप्ताह जाना है, दिखाना है, रिपोर्ट्स मिलना है, साथ में चल रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट्स हैं इनकी, मिस्टर सीएल तिवारी पेशेंट है ये, और इन्होंने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उस टाइम पे इनका क्रिएटिनिन लेवल था 8.4 क्रिएटिनिन लेवल था इनका। लखनऊ से कराई है इन्होंने रिपोर्ट्स, और उसके बाद इस टाइम पे इनका डायलिसिस चल रहा था। हफ्ते में कितनी बारी डायलिसिस करा रहे थे? 3 बार होता था हफ्ते में, 3 बार दूसरे दिन और दूसरे दिन, ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 बार ये डायलिसिस करा रहे थे, उसके बावजूद भी जो क्रिएटिनिन लेवल था वो 8.4 था। एंड कंसेक्यूटिवली इन्होंने टेस्ट कराया है, उसके बाद इनका जो क्रिएटिनिन लेवल घट के हो गया 6.4 हो गया। रिपीट इन्होंने वहीं से कराई है, ये लखनऊ से ही इन्होंने टेस्ट कराया, 6.4 क्रिएटिनिन लेवल घट के हो गया। उसके बाद इन्होंने एक और बार दोबारा टेस्ट कराया और इसमें अंदर जो क्रिएटिनिन लेवल घट के हो गया 6.1 क्रिएटिनिन लेवल घट के। उसके बाद इन्होंने अभी रिसेंटली और कराई है, और इन बिटवीन इनका डायलिसिस भी चल रहा था, और अब डायलिसिस भी नहीं चल रहा है। ना सिर्फ डायलिसिस इनका, बल्कि इनका इंसुलिन जो शुगर के लिए इंसुलिन ले रहे थे वो भी अब इंसुलिन भी नहीं ले रहे हैं। और अभी इन्होंने जो रिसेंटली टेस्ट कराया है इसके अंदर जो इनका क्रिएटिनिन आया है वो है 3.97 इनका क्रिएटिनिन आया है, 3.97 क्रिएटिनिन है। अभी इन्होंने डायलिसिस भी नहीं कराया है, और डायलिसिस के प्रोटोकॉल से भी बाहर है, अभी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और इन्होंने एक लैब से नहीं, 2-3 लैब से आपने अपने नियर बाय दो से तो कराई रहे डॉक्टर साहब, मतलब जब भी लगता है कुछ चेंज है रिपोर्ट में तो हमेशा डबल चेक लेते हैं, डबल चेक कि मतलब जो दूसरी पैथोलॉजी वो रिपोर्ट क्या कह रही है। तो दोनों लैब्स से उन्होंने टेस्ट कराए, और दोनों लैब्स के अंदर जो है क्रिएटिनिन वो 3 और 4 की रेंज में ही आया। अदरवाइज द पेशेंट वॉज ऑन डायलिसिस, अर्लियर डायलिसिस वॉज गोइंग ऑन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्राइज अ वीक,
महीना दो महीना आपने डायलिसिस कराए हैं लगभग इसी फ्रीक्वेंसी दिसंबर से जनवरी तक तो हर दूसरे दिन हर दूसरे दिन कराए दो महीना तीन महीने तक इन्होंने इस लेवल पर डायलिसिस कराए। डायलिसिस के बाद क्रिएटिनिन लेवल जो था वो 8 था और डायलिसिस के बगैर डायलिसिस बंद करने के बाद अब जो क्रिएटिनिन लेवल है वो है लगभग 3 point something। तो इस तरह की चेंजेस और इस तरह के इंप्रूवमेंट फिजिकल लेवल पर भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अर्लियर बेड रिडन थे पेशेंट क्योंकि डायलिसिस चल रहा था, डायलिसिस के टाइम पे 10 तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अभी जो है वो प्रॉपर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट्स हैं।